और यार आज चुके एक नए वीडियो के साथ एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। तो सोचो क्या बताने वाला हूँ गाइस। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं तो दो डब्बा मासी खाया, दो दो केजी वाला, उसमें तो मैंने कितना वेट इंक्रीज़ किया। बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं कितना वेट इंक्रीज़ होता है दो केजी वाला मासी रखते हैं या फिर चार केजी है। तो मैं गाइस दो डब्बा मासी खाया, दो दो केजी वाला, आई मीन चार केजी में मासी खाया एंड उसके बाद जो मेरा वेट हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। तो देखो मेरा था पहले 53 kg वेट एंड अब जो मेरा वेट है दो डब्बा खाने के बाद वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये वीडियो देखो मेरी, उसके बाद से बताऊंगा आप लोगों को कितना वेट था। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया मेरा वीडियो, तो अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि मेरा 53 था पहले, 53 kg वेट था एंड अब जो मेरा वेट है वो है 58 kg। मतलब मैंने 5 kg इंक्रीज किया, 4 kg मार गया हूँ, तो आप छोड़ ही सकते हो। तो देखो मैं दो डब्बा मास गेनर लिया, वो भी ये हिंदी का मास गेनर, ठीक है, डबल एक्सेल ये मैं लिया। ये मेरे को पड़ा 1 का 2500 रुपये करके, 2300-2500 रुपये करके, दो डब्बा पड़ा मुझे 5000 रुपये लगभग। एंड ये चीज़ का ख़राबी एक चीज़ क्या, अगर आप वर्कआउट करोगे सही से खाओगे नहीं एंड मास गेनर खाओगे तो आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होगा, बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं होता है वेट, थोड़ा वेट घट भी जाता है इससे गाइस। तो मैं उसे खाकर कंप्लीट करता हूँ एंड पूरा उसका जो वेट होता है इंक्रीज़ करने के लिए आपको अच्छे से खाना पड़ता है। तो आप खाओ, मास गेनर भी खाओ एंड फिर अच्छे से खाना भी खाओ एंड टाइमली मास गेनर खाओ, डेली खाओ। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, वो था मास गेनर जो पर मैं बताने वाला था आप लोगों को कि मैंने उसे, तो मैंने उसका क्यों नहीं आप लोगों को बता दूंगा इस कितना वेट इंक्रीज़ हुआ। तो मेरा पहले 53 था एंड अभी 58 हो गया, तो अच्छे से खाओ, खा सकते हो बड़े सही, कोई बुरा चीज़ नहीं खाओ, बट लिमिट तक। जब आपका वेट नहीं है तो आप वेट इंक्रीज करो एंड उसके बाद जब आपको लगे हाँ हो गया मेरा बल्क तो फिर छोड़ दो गाइस, हर चीज़ को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बस ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।